Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So we are again back with another video from class 12th, chapter number 3, human reproduction. In human reproduction, we have already covered the topics which are menstrual cycle, the female reproductive system, the male reproductive system, the gametogenesis process. Now we are moving to the fertilization and implantation process. So what is fertilization? जब हम general language में fertilization process को जानते हैं तो fertilization क्या होता है, जब कोई male gamete female gamete से जाकर के fuse होता है उस process को हम बोलते हैं fertilization, जिससे क्या form होता है, zygote form होता है, और वही zygote क्या करता है, आगे जाके developmental stage पर एम्ब्रियो फॉर्म करता है. ठीक है, तो जब ये जाइगोट जो होता है ये यूटेरस की वॉल पे जाकर अटैच हो जाता है और एम्ब्रियो में डेवलप होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन. ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड इम्प्लांटेशन प्रोसेस. सो ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, इज कॉल्ड इंसेमिनेशन. ठीक है, कॉपुलेशन के टाइम पर क्या होता है, सीमेंस जो होती है पेनिस में से रिलीज होती है, और कहाँ पर रिलीज होती है, वेजाइना में रिलीज होती है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, मतलब इंजेक्टिंग ऑफ सीमेंस. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो मोटाइल स्पर्म होता है वो रैपिडली स्विम करता है और सर्विक्स से पास होते हुए यूटेरस में जाता है एंड फाइनली इट रीच टू द इस्थमस एंड एम्प्यूला. इस्थमस और एम्प्यूला कौन से पार्ट है बेटा, इट इज़ द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब. राइट, फर्टिलाइजेशन क्या है, ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्प्यूरी इस्थेमिक जंक्शन. जो एम्प्यूला और इस्थमस के बीच का जो जंक्शन होता है उसको, वहाँ पर क्या होता है, स्पर्म भी वहाँ पे चले जाता है, इंजेक्ट हो रहा है, और ओवम वहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो रहा है, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है. प्रोड्यूस कहाँ होता है, ओवम, इट प्रोड्यूस्ड इन द ओवेरी. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. स्पर्म जो होता है, ठीक है, अब जब हम ओवम का स्ट्रक्चर समझते हैं तो ओवम का स्ट्रक्चर जो होता है कुछ ऐसा होता है. ओवम जो होता है उसके ऊपर ऑलरेडी थ्री वॉल्स प्रेजेंट होती हैं. थ्री वॉल्स कौन कौन सी होती है, पेरिवेट्रियम, जोना पेल्यूसिडा एंड कोरोना रेडिएटा. ये तीन लेयर्स होती हैं या तीन वॉल्स होती हैं जो ओवम को कवर करके रखती हैं. ठीक है, अब जब हम स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे बेटा तो उसमें मैंने आपको बताया था हेड वाले पोर्शन में एक्रोसोम होता है, और एक्रोसोम में एक एंजाइम होती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिसका नाम है हायलुरोनिडेज. अब हायलुरोनिडेज क्या करती है, जब भी एक्रोसोम, मतलब जो हायलुरोनिडेज एंजाइम का फंक्शन है कि ओवम का जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, जो जोना पेल्यूसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पर जाकर पेनिट्रेट करती है और उस वॉल को डिसॉल्व कर देती है. आपको दिख रहा है ये क्या है, स्पर्म है. ठीक है, तो ये क्या करेगी, जो जोना पेल्यूसिडा वाली जो लेयर है, वॉल है, उसको डिसॉल्व कर देती है. ठीक है, ताकि स्पर्म अंदर जा सके, पेनिट्रेट हो सके. ओके, मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ओसाइड आफ्टर स्पर्म एंटर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम. अब क्या होगा, जब जैसे ही जोना पेल्यूसिडा जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी तो स्पर्म कहाँ एंटर हो जाएगा, ओवम में एंटर हो जाएगा. राइट, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम ऊटेड. न्यूक्लियस जो होता है ऑफ ओवम, ओवम में जो न्यूक्लियस होता है वो स्पर्म के साथ फ्यूज होता है, फर्टिलाइज होता है, और उस प्रोसेस को हम बोल मतलब और क्या फॉर्म करता है, जाइगोट फॉर्म करता है. ठीक है, नाउ द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिसाइडेड बाय दिस स्टेज. इस स्टेज पे क्या होता है, बेबी का जो सेक्स होता है, मतलब जेंडर जो होता है वो डिसाइड हो जाता है. राइट, कैसे डिसाइड होगा, अब देखो, अगर जाइगोट है उसमें पोलर बॉडी प्रेजेंट होती है तो पोलर बॉडी किस में होती है, सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट होती है. अगर पोलर बॉडी है देन इट इज़ अ फीमेल, एंड इफ पोलर बॉडी इज एब्सेंट इन द जाइगोट देन इट इज फीमेल. नाउ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम.
स्पर्म और ओवम का फ्यूजन कैसे होगा दैट वी विल सी। देखो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो है स्पर्म्स, ठीक है। स्पर्म कहाँ पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं, ओवम में पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं। बाहर वाली जो वॉल है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा के बाद जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और उसके अंदर होता है फर्स्ट पोलर बॉडी एंड ऊसाइट, ठीक है। अब देखो इसी को हम जब जूम करके देखते हैं स्ट्रक्चर को, तो आपको पर्पल कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये पर्पल स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस है इसके अंदर और एक्रोसोम है। एक्रोसोम का क्या काम है, किसको डिसॉल्व करेगी, कोरोना रेडिएटा को। ये वॉल दिख रही है येल्लो कलर की, इसको डिसॉल्व करने का काम करेगी, ठीक है। इसने देखो रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको डिसॉल्व करता हुआ दिख रहा है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज कर दी है जिसकी वजह से ये वाली येल्लो लेयर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब कोरोना रेडिएटा डिसॉल्व हो जाएगी तो स्पर्म अंदर आ जाएगा। स्पर्म के अंदर आने के बाद इट विल कम इनसाइड द ओवम। जब ओवम के अंदर आ जाएगा तो क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, एक्रोसोम में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कौन सा, स्पर्म का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है इट विल फ्यूज विद द एग, एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको कॉर्टिकल रिएक्शन तो समझ में आ गया होगा क्या होता है कि जब भी मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट, वो क्या कर रहा है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो है उस साइड का जो साइटोप्लाज्म है उसको डिसॉल्व करके अंदर आ रहा है, ठीक है। अब बेटा कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे ही एक स्पर्म जो है वो अंदर आ जाता है तो इट विल नॉट अलाउ अदर स्पर्म्स टू एंटर, ठीक है। अगर एक स्पर्म वो अंदर आ जाता है तो कॉर्टिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो कवर अप कर देते हैं, वापस से वो जो लेयर है उसको फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से बाकी स्पर्म्स की एंट्री नहीं हो पाती ओवम में, सिर्फ एक ही स्पर्म एट अ टाइम इट विल एंटर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, कि स्पर्म ओवम के साथ कैसे फ्यूज होता है। दूसरा स्टेज है फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू फैलोपियन ट्यूब। अब जाइगोट तो फॉर्म हो गया, लेकिन अब इससे एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होगा, राइट। तो क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है जिसमें जाइगोट जो होता है इट विल मूव्स थ्रू द स्टमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टूवर्ड्स द यूटेरस। जाइगोट जो होता है वो स्टमस के थ्रू यूटेरस में जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज। वह बहुत सारे डिविजन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज। अब देखो यहाँ पर आपको ईजिली दिख रहा होगा, ये ओवरी है, ओवरी में से येल्लो पार्ट कॉपस ल्यूटियम है, ओव्यूलेशन मतलब एग रिलीज हो रहा है। अब जब एग रिलीज होता है तो क्या फॉर्म करता है, सेकेंडरी ऊसाइट फॉर्म करता है। सेकेंडरी ऊसाइट से क्या आएगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है मतलब स्पर्म और ओवम जो होते हैं वो फ्यूज हो रहा है, उसकी वजह से क्या फॉर्म हो रहा है, जाइगोट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है जाइगोट फॉर्म हो रहा है, राइट। जाइगोट फॉर्म हो गया। अब जाइगोट एक सेल है, एक सेल से उनका माइटोटिक डिवीजन होता है जिसमें वो दो सेल्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, टू सेल स्टेज आ गई। अब उसी में से अगेन डिवीजन होता है तो फोर सेल स्टेज फॉर्म होती है, अगेन डिवीजन होता है तो एट सेल स्टेज फॉर्म होती है, ठीक है। अब एट सेल स्टेज का अगेन डिवीजन होगा तो इट विल बी टर्न्ड इनटू 16 डॉटर सेल्स जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमर्स। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर्स बोलते हैं या फिर मॉर्यूला भी बोलते हैं, आया समझ में। द एम्ब्रियो विथ 8 टू 16 ब्लास्टोमर इज कॉल्ड मॉर्यूला, ठीक है। ऐसा एम्ब्रियो जिसमें 8 से 16 ब्लास्टोमर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मॉर्यूला। और मॉर्यूला जो होता है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होता है और किस में ट्रांसफॉर्म होता है, ब्लास्टोसिस्ट में, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ठीक है। एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूटेरस और यूटेरस की तरफ जब जाने लगता है वो, तो ब्लास्टोमर्स जो होते हैं इनटू द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, ये आपको ऊपर सेल दिख रहा है, अभी ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और इनर ग्रुप जो होता है, जो अंदर वाले सेल्स होते हैं, हम उनको बोलते हैं इनर सेल मास।
ठीक है, तो जो ट्रोफोब्लास्ट होता है उसकी लेयर जो होती है अटैच होती है एंडोमेट्रियम से। एंडोमेट्रियम कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? यूटेरस पे प्रेजेंट होता है, तो वो अटैचमेंट में मतलब अटैच होने में हेल्प करता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ये वाला, ये यूटेरस है। ठीक है, यूटेरस में क्या जा करके अटैच हो रहा है? एम्ब्रियो मतलब ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो रहा है। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। ये लेयर कौन सी है? एंडोमेट्रियम लेयर है यूटेरस की, जहाँ पर आपका ब्लास्टोसिस्ट जा करके अटैच हो रहा है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन होता है बेटा तो प्रेगनेंसी होती है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। हाउ टू आइडेंटिफाई सेक्स ऑफ अ बेबी? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, ठीक है, तो ह्यूमंस में टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोमल एंड सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बॉडी क्रोमोसोम्स होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम्स जो आपका सेक्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, मेल में जो होते हैं टू टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई, और फीमेल में होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, राइट। तो जब भी किसी भी चाइल्ड है, कोई भी चाइल्ड है, उसका उसके क्रोमोसोम्स जो होते हैं, अगर वो एक्स वाई होते हैं देन इट इज़ मेल, एंड इफ़ एक्स एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द बेबी देन इट इज़ फीमेल इन नेचर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पेरेंट है, मेल है एक्स वाई एंड फीमेल है एक्स एक्स। ठीक है, जब हम इनके क्रोमोसोम्स को अलग अलग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एक एक्स आ जाता है, एक वाई आ जाता है, और यहाँ पर तो सिर्फ एक्स ही है, तो एक ही क्रोमोसोम आएगा, राइट। तो जब भी एक्स और एक्स अगर दोनों साथ में आते हैं तो ऑफस्प्रिंग बनती है फीमेल, और जब वाई और एक्स साथ में आते हैं तो जो जाइगोट होता है, जो चाइल्ड होता है, वो होता है मेल। आई होप स्टूडेंट दिस वीडियो इज वेल अंडरस्टूड बाय यू। In next video, we will continue with pregnancy and embryonic development. If everything is clear to you, then like the video. And if any doubt is there, you can comment in the comment box. Thank you so much.